दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म में से एक क्रिश 3 मूवी की शूटिंग कैसे की गई थी। क्रिश 3 मूवी में ऋतिक रोशन की लाजवाब एक्टिंग देखने को मिली। ऋतिक रोशन को क्रिश का लुक देने के लिए हर रोज 8 से 10 लोगों की टीम मेकअप पर बहुत सारा टाइम लगाती थी, क्योंकि ऋतिक को हर रोज क्रिश, रोहित व कृष्णा के रोल की शूटिंग करनी होती थी। मूवी में ऋतिक रोशन को उड़ते हुए दिखाया जाता है। ऐसे सीन फिल्माने के लिए VFX तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऋतिक को रस्सी से बांधकर हवाओं में लटकाया जाता है। वह ब्लू बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके इस सीन को स्टूडियो में ही फिल्माया जाता है। रस्सी को कुछ लोग खींचकर ऊपर नीचे करते हैं। बाद में ब्लू बैकग्राउंड को हटाकर नीले आसमान व बिल्डिंग को एडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, फिल्म में जब जानलेवा वायरस फैल जाता है तो शहर में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सड़क के बीच में पानी का टैंक पलट जाता है, तो क्रिश उस टैंक को कैसे हटाता है उसकी शूटिंग आप देख सकते हैं। रियल में क्रेन से ट्रक उठाया जाता है, लेकिन फिल्म में क्रिश द सुपर हीरो के तौर पर ट्रक को उठा रहा है। दोस्तों, मूवी में आपने जहाज वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें लैंडिंग के समय जहाज के आगे के दोनों पहिए जाम हो जाते हैं और क्रिश सेफ लैंडिंग करवाने के लिए पहियों पर खड़ा हो जाता है। दरअसल इस सीन की शूटिंग भी स्टूडियो में ही की गई थी। पहिए के आसपास का छोटा हिस्सा तैयार किया जाता है, ग्रीन बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके सीन फिल्माया जाता है और बाद में VFX द्वारा ग्रीन बैकग्राउंड हटाकर नीले आसमान व जहाज के बाकी हिस्सों के साथ एडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस सीन में आप देख सकते हैं कि क्रिश एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ होता है और उसका ब्लैक सूट हवा में लहरा रहा होता है। यह सीन ग्रीन बैकग्राउंड के साथ स्टूडियो में ही फिल्माया गया है और उसके ब्लैक सूट को CGI तकनीक से एडिट कर दिया गया है। मूवी में कंगना के रोल की चारों तरफ तारीफ हुई है। एक फाइटिंग वोमैन के रोल में कंगना रनौत राकेश रोशन की उम्मीदों पर खरी उतरी है। मूवी का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम की शूटिंग लगातार 5 दिन तक चलती रही। बहुत सारे डांस मोमेंट पहली बार लिए गए थे, जिनको कोरियोग्राफर रेमो ने कोरियोग्राफ किया था और राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था। पिता राकेश रोशन के अनुसार ऋतिक एक ऐसा डांसर है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल डांस स्टेप करा सकते हो। आगे राकेश रोशन बताते हैं कि उनका पहले क्रिश के सिक्वल बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन दर्शकों द्वारा दिए गए प्यार की वजह से उन्होंने क्रिश 3 बनाई और वो अब इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए क्रिश 4 को भी बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं।